जामिया मलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर हुए 15 दिसंबर की रात को हुए बवाल में दिल्ली पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सभी युवकों का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई भी छात्र नहीं है। हालांकि पुलिस ने साथ ही कहा कि छात्रों को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने बवाल के दौरान बस जलाए जाने वाले मामले में आरोपी युवकों से पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने जिन युवकों को गिरफ्तार किया है उन पर रविवार रात हुए बवाल में शामिल होने का आरोप है। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। हिंसा में 4 सरकारी बसों को आग लगा दी गई थी। राहगीरों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया था। आरोप है कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अंदर तक घुसकर आंसू गैस के गोले लगा दागे थे। जामिया में भड़की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 केस दर्ज किए थे। पहला केस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और दूसरा मामला जामिया नगर थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने आगजनी, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान और सरकार काम में बाधा पहुंचाने के तहत केस दर्ज किया गया था। जामिया हिंसा के बाद नदवा कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। नदवा के गेट पर पथराव घटना हुई थी। वहीं डीयू के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर डीयू के अंदर दाखिल होने का भी आरोप लगा था। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग बिल्कुल पत्थर नहीं चलाएं। लगातार ये पत्थर हम लोगों पे आ रहे हैं। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुंचे हुए हैं और जो पत्थर ट्यूब और ये बम पत्थर और ट्यूब जैसी ट्यूबलाइट वगैरह ये सब फेंक रहे हैं, गाड़ियों को तोड़फोड़ रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बाहर निकले, आपके नुमाइंदे बाहर आए और हमसे बात करें। यहाँ पे तमाम अफसर, तमाम लोग हैं जो आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं। प्रबलता के साथ उनको डराया गया है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जामिया को अपने कैंपस में बिना इजाजत के पुलिस का एंट्री बर्दाश्त नहीं है और बहुत लॉस हुआ है, तो ये इस लॉस की भरपाई कैसे होगी? और दूसरे, जो हमारा इमोशनल लॉस हुआ है, जो हमारे कॉन्फिडेंस लॉस हुआ है और जो हमारे बच्चों का क्या साइकी के ऊपर असर पड़ा है, उसका क्या हो? वहाँ से पथराव हुआ है, वहाँ से बल्ब ट्यूबलाइट्स वगैरह और बॉटल्स वगैरह भी फेंकी है पुलिस के और काफी पथराव हुआ है और वहाँ पे इनको फिर पीछे पुश करके और इनको जामिया में पुश कर दिया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया। ऑन द रोड एंड द क्राउड वाज फ्रॉम ऑल द नेबरिंग एरियाज। इट्स 1000 आवर स्टूडेंट इज ओनली इन द हॉस्टल इज 4000 मैक्सिमम बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड एंड देयर इज अ क्राउड ऑफ 30-35000। दे कांट बी द ऑल द स्टूडेंट्स। Those crowds are of course from the neighboring areas. रांची से आई हूँ मैं, यहाँ दिल्ली आई थी कि दिल्ली है सबसे सेफेस्ट जगह होगी शायद स्टूडेंट्स के लिए इस देश में। क्या गलत किया था स्टूडेंट्स ने? प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना, हमें इतनी एजुकेशन मिली है, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया हमारे एजुकेशन पे, इसलिए तो नहीं कि हम घर पे बैठ के चुपचाप बैठ जाए, उसका कोई उपयोग ही नहीं करें। एजुकेशन क्या सिर्फ मशीन चलाने के लिए मिलती है हम लोगों को? JBD banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।